तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होते हैं। एक लड़की आसमान से आती है, डायरेक्ट हमारे पेंस पे आके गिरती है। तो हमारा जो ड्रैगन स्पीड था ना, वो देख के आइडिया लगा लेता है ये लड़की पक्का इसके पीछे कोई पड़ा हुआ रहेगा, तो अपनी जान बचा कर यहाँ पर आई और गलती से आपके ऊपर यहाँ पे गिर के बेहोश हो गई। और तभी ना उस लड़की के चेहरे पर एक रिएक्शन होता है जिसको ना ड्रैगन लिंगेज कहा जाता है, जिसको देख कर अपना ड्रैगन स्पीड पहचान जाता होगा। दोस्त शीट भाई, ये लड़की तो ड्रैगन क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करती है, और ये ड्रैगन लिंगेज ना हर ड्रैगन क्लैन के मेंबर के पास होता है, लेकिन ये छुपा रही थी, शायद ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं ड्रैगन क्लैन की हूँ। लेकिन जब ये बेहोश हो गई जी, चक्कर में छुपा नहीं पाई और रिवील हो गया, और मैं पता लगा सकता हूँ कि ये लड़की ना बाकी ड्रैगन क्लैन के लड़कों से, आई मीन बाकी बंदों से काफ़ी अलग यहाँ पर है। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता है कि वो बाकी अलग क्या है, तो ये बताता बाकी अलग है कि भाई स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस हो रही है। देखो भाई, मैं भी ड्रैगन स्पीड हूँ, यानी मैं भी ड्रैगन क्लैन से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे टाइम पर जो ड्रैगन क्लैन था ना, हमारे पास जितनी पावर थी उसके मुकाबले इसकी बॉडी के अंदर से मुझे ज़्यादा पावर महसूस हो रही है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं इतने साल यहाँ पर गुजर चुके हैं, हो सकता है ड्रैगन क्लैन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, और ड्रैगन क्लैन के जो लोग हैं ना पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके रहेंगे। टीएन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, उस लड़की को उठाता है, लड़की बेहोश यहाँ पे थी लेकिन तो भी उसके ऊपर ही और ऐसे गिरती है। तो सामने से अपना ड्रैगन स्पीड भी देखते, ये लड़की यहाँ पे बेहोश है, लेकिन लगता है ना ये आपके एकदम क्लोज ही रहना चाहती है, उठना भी नहीं चाहती, बेहोश रहते बन में भी। टीएन कहता डोंट वरी, उठा सकता हूँ, इतना भी नल्ला नहीं हूँ। तो उसको फाइनली ऐसा उठा लेता है जैसे कचड़े के थैली का हम लोग उठाते लिटली, वैसा उसने उठा लिया था और ले जा रहा था अंदर साइड। तो सामने से ड्रैगन स्पीड भी कहते एक सेकंड भाई, बहरूपी आया, आई डोंट नो, ज़्यादा हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं, आप डायरेक्ट इसको अंदर ले जाना चाहोगे? ये कहता है कि हाँ, सबसे पहले बाई चांस बहरूपिया दुश्मन में निकल जाएगी तो मेरा क्या उखाड़ लेगी। अब मुझे नहीं लगती कि बहरूपिया दुश्मन होगी, मुझे लगती है ये शायद जानती वानती होगी हमको, और हमसे रिलेटेड ना इसका कोई काम यहाँ पर होगा, क्योंकि ध्यान से देखो भाई इसके जिस्म पर ना एक निशान यहाँ पे बना हुआ है, जो निशान मेरे अपनों ने शायद दिया हो। तो सामने से देखता भी ड्रैगन स्पीड की भाई कौन सा निशान, तो जैसे ये ध्यान से देखता ना तो उसके माथे पर, लड़की के माथे पर ना चोट यहाँ पर लगा हुआ था, आग का हमला था, जिसको ना होली डेमन फ्लेम कहा जाता है। ये कहता है शिट भाई, होली डेमन फ्लेम क्या ना, जो डेमन लोग रहते हैं ना उसमें, जो रॉयल लोग स्पेशली रहते हैं, उनके अंदर एक कमाल का फ्लेम अटैक यहाँ पर होता है। उस फ्लेम से ना बंदा था कि पूरा का पूरा जो जिसमें ना अंदर से लेकर बाहर तक ना जल जाते हैं, जो आपके जो है ना भैया डेमन वाली महारानी वो भी ऐसा अटैक कर सकती है, लेकिन उसने अटैक यहाँ पे नहीं किया। अभी वो अटैक काहे को भला यहाँ पे करने जाए, किसी और ने अटैक किया, लेकिन भाई ये फ्लेम वाला हमला ना हर डेमन यहाँ पे नहीं कर सकता, बहुत ही ऐसे कम डेमन है वही अटैक कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है वो पोर्टल द्वारा मुझे और भी महसूस हो रहा है, वो जिसने भी अटैक किया होगा ना वो बहुत ही पास में होगा। टीएन का दया टेंशन मत लो भाई, लेकिन अपनी वाली जो डेमन है पहले उससे जाके पूछ लो, शायद उसको मालूम रहेगा कि कौन अटैक करने वाली होगी। हाँ, तो ये उसके पास लेके जाता है, वो दोनों यानी डेमन अपनी मरानी आपस में झगड़ा यहाँ पे की जा रही थी। तो ये भी कहता है हेलो सुनो ना यार, मुझे तुमसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। तो उनका ध्यान चल जाता भाई उन लड़की की ओर, और दोनों को दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते कि अरे यार दो आपके पास पहले से, तो भी आपको मजा नहीं आ रहा, ये तीसरी वाली कहाँ से आ गई। जो सुनते सामने से टीएन कहता अरे नहीं नहीं, अरे यार अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मैं तो बस अपना चुपचाप काम कर रहा था, ये लड़की आसमान से मेरे ऊपर गिरी, तुम विश्वास करोगी? दोनों कहती है नहीं, घंटा भी विश्वास यहाँ पे नहीं करेंगे। डेमन कहती है आपको याद आया महारानी, कुछ समय पहले ही आपको कहानी सुना रहे थे हमको कि जब अपने दुनिया में थे, एक सिल्वर बार वाली लड़की ने ना आके इनकी जान बचाई थी, और इस लड़की का भी सिल्वर बार है कहीं यही तो नहीं है, ऊपर से इसके अरमान भी आपके साइज के लग रहे हैं। सामने से अपनी महारानी कहती हाँ, और साथ ही में इसके कपड़े वपड़े भी ना बेकार गए हुए बड़े नहीं लगते, अमीर घर की ये भी लगती है, यानी पैसे भी बहुत है, सुंदर भी है, बाल भी सिल्वर है, यानी ठरकी आदमी। एक और लड़की के पीछे पड़ गया, तो अपना ड्रैगन स्पीड सामने से समझाता कि नहीं नहीं यार आपको गलत फैमिली यहाँ पे हो रही है, जो लड़की यहाँ पर है ना जो मेरा ड्रैगन क्लैन है, ड्रैगन क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है, और क्या ना शायद इसके ऊपर किसी ने अटैक यहाँ पे कर दिया था होली डेमन फ्लेम से। तो अटैक जैसे इसको लगा बेचारिया के ना हमारे प्रिंस पे गिर गई और यहाँ पे बेहोश हो गई। तो होली डेमन फ्लेम भाई, आप जैसे डेमन से बिलोंग करते हैं इसलिए हम आपसे पूछने के लिए यहाँ पर आ गए, आपने कुछ ज्यादा ही गलत हमारे प्रिंस को समझ रहे हो। तो अपने प्रिंस आराम से लड़की को लेता है और बाजू में कुर्सी जैसा कुछ यहाँ पे था उस पर आराम से लेटा देता है। अब अपनी जो डेमोन यहाँ पे थी ना वो कहती है कि एक सेकंड, तो सच्ची में ये ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है यार, ज्यादा कर मुझे मालूम है ड्रैगन क्लैन विलुप्त हो चुका है, उस क्लैन का कोई बचा नहीं है, यहाँ तक कि आप भी हो ना बुढ़े जी, यार आप भी जिंदा नहीं हो, अभी हजार साल पहले मारे जा चुके हो, ये जो कुछ है आपकी आत्मा है। पहली बार ना मैं किसी जिंदा ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देखे जा रही हूँ, और इसका तो सिंह भी है, मेरा भी सिंह है, हम दोनों का सिंह यहाँ पे टकराएगा, तो बताओ भाई किसका सिंह यहाँ पे पहले टूटेगा। अपनी मरानी कहती साली चुप हो जा, एक मासूम सी बच्ची की जान बचा, लेकिन तुमको तो भाई खाली लड़ाई काट और मारपीट यहाँ पे सुझाए देता है। वो भी कहती है लड़ाई काट में ही ज्यादा मजा आता, बाकी सब तो यहाँ पे बोरिंग है। अपनी महारानी कहती है अरे बोरिंग बोरिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं है, इसको पहले ध्यान से देखो। सामने से ये देखती है और कहती है कि हाँ यार देखती हूँ, इसके ऊपर किससे हमला यहाँ पर हुआ था, होली डेमन फ्लेम से। ये होली डेमन फ्लेम ना बड़ा रेयर होता है, बहुत ही कम बंदे ना अवेकन यहाँ पे कर पाते हैं। हाँ महारानी, लेकिन तुम्हारा जो ब्लड लाइन है ना वो तो सुपर रेयर यहाँ पर है, आपके मुकाबले उतना भी रेयर यहाँ पे नहीं है। तो अपनी महारानी यहाँ पे चेक करती है कि बेचारी मासूम सी बच्ची यार,
यार, इसको देख के ऐसा लगता है ना कि इसने भाई लंबा चौड़ा यहाँ पे जंग किया होगा, बेचारी यहाँ पे टिक नहीं पाई तो अपनी जान बचाने के लिए भागी होगी। और इसका जो हमला हुआ ना वे फ्लेम से, वो पीछे से हमला हुआ, यानी जैसे भाग रही होगी ना तो पीछे से दुश्मनों ने अटैक यहाँ पे कर दिया होगा। और ये फ्लेम ना तुम्हारे डेमन क्लैन से बिलोंग करता है, यानी तुमको तो इस फ्लेम के बारे में मालूम होगा। यानी अब टोटल तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये, जब ये भाग के यहाँ पे कैको आई उसके पीछे भी दो रीजन हो सकता है, या तो भाई इसका कोई मोटिव यहाँ पे रहा कि हाँ यहाँ पे आके ये करना या फिर वो करना, या तो भाई बस इसको कहीं ना कहीं भागना था, उसको ये जगह दिखा यहाँ पर आ गई। ये पहला क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे क्यों आई। सेकंड क्वेश्चन कि भाई ये जो कौन है, मतलब जो डेमन फ्लेम जो हमला हुआ है, कौन सा डेमन का हाथ है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और तीसरी, अरे सुनो टीएन, तुमने कहा था कि भाई एक लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी जिसका यहाँ पे भाई सिल्वर बाल था, यही है क्या वो लड़की, इसका भी बाल सिल्वर है। टीएन कहता है नहीं नहीं यार, मैं तो पहली बार इसमें ही रहा हूँ, ये लड़की और वो लड़की ने एक दूसरे से एकदम अलग थी, अरे मेरे ऊपर यहाँ पे गिरी ना यार तो इसका मुझे चोट वोट लग गया था यार हल्का सा, ये नहीं है। जो सुनते वो कहती है अच्छा ऐसी बात है कि आपको चोट लगा, ले ले ले, अरे ये तो मासूम सी बच्ची है जिसको चोट वोट लगा था, जी छा मैं गलती से आप पे गिरी, अगर इसके बदले कुछ और यहाँ पे होता ना तो उसकी माँ बहने कर देती कि भाई ऐसे कैसे मेरे प्रिंस पे गिर गए। और अपनी जो डेमोन यहाँ पे थी ना वो बुढ़े पे चिल्लाती है ड्रैगन स्पीड पे के साले पे, तो इसके साथ यहाँ पे था ना, तुमको बचाना चाहिए था ना भाई कि ये लड़की को गिरने से पहले। जो सुनते सामने सो भी सोचते एक सेकंड भाई ये मुझे कह रहे कि भाई उनको कुछ हो जाएगा इसलिए मुझे बचाना चाहिए था, अरे पूरा का पूरा प्लेनेट आके भी गिरा ना इस प्रिंस के ऊपर, तो भी प्लेनेट को नुकसान होगा, इनको नुकसान ही होगा, दोनों लड़के ना फालतू में टेंशन ले रही है। उतने में वो जो लड़की यहाँ पे थी ना फाइनली होश में आती है, और लॉन्ग भाई उसका यहाँ पे नाम था, जैसे होश में आती है ना कहती है अरे यार मैं कहाँ पर हूँ, तुम सब यहाँ पे कौन हो, तो अपनी महारानी सामने से कहती भाई सबसे पहली बात तू यहाँ पे कौन है, हमारे एरिया में तू आई मेरी पति के ऊपर यहाँ पे गिर गई और हमसे पूछे कि हम लोग कौन है। अपनी डेमोन कहती नहीं नहीं इसका पति नहीं, मेरे पति के ऊपर तू आके यहाँ पे गिरी थी, बोल भाई तू कौन है। तो अपनी महारानी भी कहती हाँ हाँ बीच में उंगली मत कर, हाँ तू बता भाई तू है कौन। ये कहती मैं कौन हूँ, मेरा नाम है ना लॉन्ग भाई यहाँ पर है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा यार, मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा, एक बस एक नाम याद आ रहा है लुओ टाओ टियन, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। और लुओ टाओ टियन किसी और का नहीं बल्कि अपनी डेमोन का बाप का नाम है, तो वो भी चौंक जाती है एक सेकंड, ये तो मेरे अब्बा जान का नाम है, वो तो मारे जा चुके थे लेकिन ये कह रही कि उन्होंने बचाया था। अरे ये सुन सुन ये बच्ची सुन, बता भाई ये तुमको कैसे जानते, तुम इनको कैसे जानती हो और ये जिंदा यहाँ पर है, इन्हें तुम्हारी जान बचाई थी क्या। वो सामने से कहती है अरे यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अपनी डेमोन को गुस्सा आता क्या, अरे यार नाटक मत कर चुपचाप यहाँ पे बता। तो पीछे से अपनी महारानी शांत कहती है भाई अरे 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 शांत हो जाओ यार, ऐसे मतलब मत चिल्लाओ यार, ऐसे मत चिल्लाओ, देखो भाई सबसे पहली बात है ना उसको चोट वोट लगा याद नहीं आ रहा, ऐसा हो जाती है प्रेशर डालने से ना उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। उसने कहा कि भाई तुम्हारे अब्बा जान ने उसकी जान बचाई थी, यानी भाई तुम्हारे अब्बा जान ने जान बचाई, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे से ट्रीट करो ना कि चिल्लाओ। तो सामने से अपनी डेमोन भी शांत होती है लेकिन अपना पावर यूज करती है और एक पिंजड़ा यहाँ पे बना के पिंजड़े के अंदर उसको यहाँ पे बंद कर देती है, लॉन्ग भाई को बंद कर देती है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।